नमस्कार बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता वाणिज्य। आज बही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत प्रथम अध्याय सामान्य परिचय के अंतर्गत अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस अंतिम भाग में चैप्टर एक में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग साझेदारों के खाते जो फर्म में बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने साझेदारी के बारे में पढ़ा कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदार किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, तथा इसके बाद साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है और लाभ हानि विभाजन के लिए लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है, डेबिट में कौन कौन से आइटम आते हैं, क्रेडिट में कौन कौन से आइटम आते हैं और उनकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो उसी के सिलसिले में आज हम आगे बढ़ेंगे और लाभ हानि नियोजन खाते के बाद हम ये देखेंगे कि साझेदारों के कौन कौन से खाते फर्म में बनते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे साझेदारी संस्था में साझेदारों के नाम से निम्नलिखित तीन खाते बनाए जाते हैं। नंबर एक, साझेदारों के पूंजी खाते। नंबर दो, साझेदारों के ऋण खाते। तथा नंबर तीन, साझेदारों के आहरण खाते। तो इस प्रकार तीन ये व्यक्तिगत खाते हैं। बाकी तो नॉमिनल कई तरह के अकाउंट साझेदारों के नाम से ओपन होते हैं। साझेदारों के सैलरी अकाउंट ओपन होता है, साझेदारों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ओपन होता है, साझेदारों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन होता है, साझेदारों का कमीशन अकाउंट ओपन होता है। तो इस तरीके से नॉमिनल में कई अकाउंट ओपन होते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों कि नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फाइनली लास्ट ईयर के लास्ट में क्लोज हो जाता है। वो सीधे जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होकर के वो क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि साझेदारों के जो मेन तीन खाते बनते हैं, ये तीन खाते आगे कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। केवल ड्राइंग अकाउंट हमारा एक साल का होता है, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट लाभ पर प्रभार होता है। ड्राइंग अकाउंट का संबंध लाभ से होता है, क्योंकि लाभ साल के अंत में निकल के आता है। इसलिए आहरण का जो कैलकुलेशन है वो साल के अंत में लाभ में से किया जाता है। इसलिए इस खाते को भी हम लोग लास्ट के अंत में क्लोज कर देते हैं। लेकिन साझेदारों का पूंजी खाता तथा साझेदारों के ऋण खाते ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, और ये तीनों ही खाते साझेदारों के व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते की, कैपिटल अकाउंट की हम बात करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम दो तरीके के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दो विधियों से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। वो दोनों विधियां हैं स्थायी पूंजी खाते विधि, और दूसरी विधि है हमारी परिवर्तनशील पूंजी खाती विधि। ये दोनों विधियां इस अवधारणा पर आधारित हैं कि एक विधि के अंतर्गत हम साझेदारों की इनिशियल पूंजी, प्रारंभिक पूंजी, व्यवसाय प्रारंभ करने के समय की पूंजी को स्थायी रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करते। जब तक कि साझेदार अपनी पूंजी में परिवर्तन ना करें तब तक हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इसीलिए इस विधि को हम स्थायी पूंजी विधि कहते हैं। और दूसरी विधि जो हमारी होती है परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि, इसके अंतर्गत हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें साझेदारों के हम सारे व्यवहारों का लेखा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर साल साझेदारों की पूंजी का शेष बदल जाता है, इसके कारण इसको हम परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। अब एक एक करके हम इन खातों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम साझेदारों के स्थायी पूंजी खाते विधि की अध्ययन करेंगे, क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया कि इसमें साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी के लिए हम अलग से खाते बनाते हैं। तो साझेदारों के बाकी ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? तो साझेदारों के बाकी ट्रांजैक्शन के लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं, साझेदारों का चालू खाता बनाते हैं जिसमें एक साल तक की सारी एंट्री हम लिखते हैं। तो पूंजी को हम अलग कर लेते हैं, बाकी सारे ट्रांजैक्शन को हम अलग करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो इन दोनों अकाउंट को मिला करके, दोनों खातों को मिला करके हम कहते हैं कि ये स्थायी पूंजी खाता विधि है। तो इस प्रकार स्थायी पूंजी खाता विधि के अंतर्गत दो खाते बन गए, एक साझेदारों का पूंजी खाता
और दूसरा हमारा बन गया साझेदारों का चालू खाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साझेदारों का पूंजी खाता और उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे ये हम देखेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों के द्वारा लगाई गई प्रारंभिक पूंजी का लेखा किया जाता है। इस खाते में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दो घटनाओं को छोड़कर, या तो साझेदार अपनी पूंजी को बढ़ाएं और या फिर साझेदार अपनी पूंजी को कम करें। इन दोनों घटनाओं के अलावा बाकी और कोई भी व्यवहार और कोई भी ट्रांजेक्शन जो साझेदारों से बिलोंग करता है, जो साझेदारों से रिलेटेड है, उसका कोई भी लेखा इसमें नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर के तीन तरह का ट्रांजेक्शन इसमें हम लिखते हैं, एक साझेदारों की पूंजी, एक साझेदारों का एडिशनल कैपिटल और एक साझेदारों का परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल और ड्राइंग, दो सिचुएशन यहां पर होती है। ड्राइंग जो होती है वो पर्सनल यूज होता है, साझेदार अपने निजी जरूरतों के लिए पैसा निकालता है। परमानेंट विड्रॉल एक समायोजन होता है, पूंजी का समायोजन होता है, जिसमें साझेदार अपनी पूंजी को कम करता है और ये कमी हमेशा के लिए की जाती है। लेकिन ड्राइंग जो होता है वो लाभ पर प्रभार होता है, उसकी नई निजी जरूरतों के लिए होता है, और ड्राइंग से पूंजी की कमी नहीं मानी जाती है, इसलिए ड्राइंग को यहां पर नहीं इंडिकेट किया गया है। ड्राइंग करंट अकाउंट में जाएगा और वो लाभ में से माइनस होगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी। हम फॉर्मेट की स्टडी करते हैं, फॉर्मेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों साइड डेबिट क्रेडिट, डेट का कॉलम इसमें नहीं मेंशन है क्योंकि इसमें हम अंत में बना रहे हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो फाइनली हम पोस्ट करते हैं। इसमें डेट का कॉलम बनाया जा सकता है, जब जब कोई घटना घटती है उसको यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम फाइनल अकाउंट की स्टडी कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट में डेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर ये जो बैलेंस बीडी है, ये पहली अप्रैल की कैपिटल है। अगर साझेदार पहली बार व्यवसाय शुरू कर रहा है, ये पहली बार व्यवसाय क्लोज कर रहा है, पहला साल का अंत है, तो यहां पर बैलेंस बीडी नहीं होगा क्योंकि पिछले सालों में कोई फर्म नहीं चली थी, नया व्यवसाय है, तो नए व्यवसाय की दशा में यहां पर बाई कैश या बाई बैंक आएगा। अजय साझेदार बैंक खाते की सहायता से व्यवसाय को शुरू करते हैं, अपनी पूंजी को बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो फिर ये यहां पर होगा बाई बैंक। और अगर नगद व्यवसाय शुरू करते हैं तो नगद व्यवसाय की दशा में यहां पर हो जाएगा बाई कैश। और अगर साझे फर्म कंटिन्यू चल रही है, सालों साल से चलती चली आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे होगा बाई बैलेंस बीडी। ये पिछले साल का कैपिटल बैलेंस होता है। अब अगर साझेदारों ने कोई एडिशनल कैपिटल डाली हुई है बिजनेस में, कोई नई कैपिटल डाली हुई है, कोई नया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो फिर यहां पर आएगा बाई कैश और एडिशनल कैपिटल हमने इंडिकेट किया हुआ है। तो अगर साझेदार कोई नई कैपिटल डालते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं, अपने व्यवसाय की पूंजी को बढ़ाते हैं, तो यहां पर अगर कैश से बढ़ाते हैं तो यहां बाई कैश लिखा जाएगा, अगर चेक के थ्रू बढ़ाते हैं तो यहां पर बाई बैंक लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों हम डेबिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट, यहां पर बाई बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, लेकिन उधर टू बैलेंस बीडी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता है, इसलिए डेबिट साइड में कोई बैलेंस बीडी नहीं लिखा हुआ है। बाकी खातों में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो वहां पर दोनों तरफ बैलेंस बीडी आपको मेंशन मिलेगा, लेकिन यहां पर एक ही तरफ बैलेंस बीडी लिखा हुआ है क्योंकि ये बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहता है। अब देखिए यहां पर टू कैश अकाउंट जो है वो विड्रॉल है। अगर साझेदार कभी भी अपनी कैपिटल को निकालते हैं, ये कभी कभार की घटना होती है, हर साल नई पूंजी नहीं आती, हर साल साझेदार अपनी पूंजी को कम नहीं करते हैं, तो ये कभी कभार की घटना होती है। तो अगर साझेदार इस साल अगर उन्होंने अपनी कैपिटल में कमी करी है तो यहां पर टू कैश अकाउंट, अगर बैंक के थ्रू पैसा निकाला है तो टू बैंक अकाउंट, जिस पार्टनर ने निकाला है उस पार्टनर के नाम में लिखेंगे, और इसके बाद दो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, निकल जाएगा फाइनल बैलेंस, और यही बैलेंस हम ले जाकर के आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के रूप में लिखेंगे। बच्चों ये दोनों घटनाएं क्योंकि कभी कभी घटती हैं,
इसलिए केवल इसमें एक मेन ट्रांजेक्शन आता है, बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का ट्रांसफर हो जाता है, फिर वही कैपिटल सालों साल चलती रहती है, क्योंकि इसमें कभी और कोई चेंज नहीं होता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं साझेदारों के चालू खाते। स्थायी पूंजी खाते विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। तो पूंजी को छोड़कर बाकी सारे ट्रांजेक्शन इस करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। पूंजी को छोड़कर बाकी सभी तरह के ट्रांजेक्शन जो साझेदार को बिलोंग करते हैं वो सभी इस खाते में लिखे जाते हैं। इस खाते में साल भर के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं साझेदारों के, उन सभी को हम, अगर साझेदारों को हम अमाउंट दे रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और साझेदारों से अगर कोई अमाउंट हम रिकवरी कर रहे हैं या उन पर कोई अमाउंट डेबिट बना हुआ है तो उनको हम डेबिट साइड में लिख करके उसको हम क्रेडिट साइड के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। अब एक एक करके हम इसके ट्रांजेक्शन का स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। करेंट का मतलब ये होता है कि एक साल का खाता। फिर यहां पे लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब ये हो गया कि ये खाता दोनों तरह के बैलेंस को प्रदर्शित करता है, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर पार्टनर ने विड्रॉल ज्यादा किया है तो, अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा होगा तो उनका डेबिट बैलेंस शो करेगा, जो एक तरीके से कैपिटल की कमी होती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ पे दोनों बैलेंस के बाद हम देखते हैं क्रेडिट साइड के सारे ट्रांजेक्शनों को वन बाई वन। नंबर वन देखते हैं कि बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दी जाती है, दोनों जितने भी पार्टनर होंगे उतने पार्टनर को दी जाएगी। इस फॉर्मेट में हमने क्योंकि दो साझेदारों की संकल्पना को लेकर के किया है, वैसे साझेदारों की संख्या न्यूनतम दो होती है और अधिकतम होती है 50 तक होती है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर हमने दो पार्टनर की संकल्पना को लेकर के इस फॉर्मेट को शो किया है, इसलिए उनका नाम हमने ए और बी इंडिकेट किया हुआ है। तो अब यहां पे देखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल साझेदारों को उनकी प्रारंभिक पूंजी पर मिलती है, मतलब जो पार्टनर जिस समय जितनी कैपिटल होती है उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। अगर मान लीजिए साल के बीच में किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो उस एडिशनल कैपिटल पर उसी डेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जिस डेट पर उसने लगाई है, और जो कैपिटल प्रारंभिक पूंजी प्रारंभिक डेट से है 1 अप्रैल से है तो वहां पर 1 अप्रैल से कैलकुलेशन होगा, तो उस अमाउंट पर 1 अप्रैल से कैलकुलेशन होगा। और अगर कोई कैपिटल में कमी हुई है तो जिस डेट से कमी हुई है उस डेट से जितने कमी हुई है उतना कम करके फिर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंथली बेस करता है, डेट वाइज बेस करता है, जिस महीने में पार्टनर की जितनी कैपिटल होती है उसी के आधार पर यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर कोई कैपिटल में चेंज नहीं आ रहा है तो शुरू की जो कैपिटल होती है उस पर हम इंटरेस्ट चेंज कैलकुलेट करते हैं, और जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है इस पर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। जो मेन कैपिटल बैलेंस है जिससे पार्टनर ने बिजनेस को शुरू किया था उस कैपिटल पर हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, करंट अकाउंट के किसी भी बैलेंस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर पार्टनर की, जो ऑफिस में बैठता है, जो नियमित रूप से फर्म के कार्य को देख रहा है, अगर उसे सैलरी दी गई है तो यहां पर जिस पार्टनर को सैलरी दी गई है उस पार्टनर को यहां पे सैलरी हम दे देंगे। लेकिन अगर दोनों पार्टनर को सैलरी दी गई है तो दोनों पार्टनर को यहां पे हम सैलरी लिख देंगे। कमीशन जो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए होता है, जो व्यवसाय को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए होता है, तो उस एक्स्ट्रा प्रयास के लिए अगर कमीशन जिस पार्टनर को दिया जाएगा उस पार्टनर को यहां पे हम कमीशन लिख देंगे, और अगर दोनों पार्टनर ने प्रयास किया है तो दोनों पार्टनर को कमीशन देंगे। कमीशन का कैलकुलेशन लाभ पर होता है या विक्रय पर होता है, लाभ पर होता है तो लाभ पर कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे, विक्रय पर होता है तो विक्रय पर कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे, जिसके बारे में हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये डिविजुअल प्रॉफिट है। डिविजुअल प्रॉफिट यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बचा हुआ पार्ट है, जो साझेदारों को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस इत्यादि देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम विभाज्य लाभ कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और इसे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके
पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्रेडिट साइड के आइटम्स है, क्रेडिट साइड के आइटम का हम टोटल कर लेते हैं। अब आप आइए डेबिट साइड का एनालिसिस करते हैं। डेबिट साइड में पहला जो आइटम लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी, तो टू बैलेंस बीडी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि या तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है या करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। दूसरी चीज हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर व्यवसाय ने पहली बार फर्म को शुरू किया है तो यह करंट अकाउंट का बैलेंस यहां पर नहीं होगा, या फिर कैपिटल की विधि चेंज करी है, मान लो पहले परिवर्तनशील रही बाद में स्थायी पूंजी विधि किया तो भी यहां पर करंट अकाउंट का, क्योंकि करंट अकाउंट पहली बार ओपन हो रहा है इसलिए यहां पर कोई भी पुराना बैलेंस नहीं होगा, तो ये बैलेंस बीडी और आपका डेबिट क्रेडिट में से कोई भी बैलेंस नहीं इंडिकेट होगा। इसके बाद फिर देखेंगे ड्राइंग, उनका पर्सनल यूज होता है, जो प्रॉफिट पर चार्ज होता है इसलिए उसको यहां दिखाते हैं, उस अकाउंट पहले वाले अकाउंट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कैलकुलेट होता है तो उसको भी हम मंथ के आधार पर कैलकुलेट करके जब जब जिस जिस मंथ में पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट लेकर के गया है उसी मंथ और अमाउंट को बेस मान करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उसका टोटल पार्टनर वाइज यहां पर हम लिख देते हैं। अंत में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर साझेदारों के फर्म में व्यवसाय में किसी भी तरीके से लॉस होता है तो वो लॉस हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिवाइड कर देते हैं पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में ला करके पोस्ट कर देते हैं। उस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। अंत में क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम कहलाएंगे टू बैलेंस सीडी, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, इसे ले जाकर के हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो दोनों तरह का बैलेंस हम वहां पर लिखेंगे, एक कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे कैपिटल ए और बी, फिर दोबारा पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे ए और बी। तो इस तरीके से इस विधि में दो खाते होंगे, दोनों खातों का बैलेंस हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे अगली विधि की जिसको हम बोल रहे हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसमें बच्चों केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, वो आपका होता है पूंजी खाता। दो खाते नहीं बनाए जाते क्योंकि सभी तरह के ट्रांजेक्शन एक ही खाते में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार एक ही खाते में सिंगल अकाउंट में कैपिटल को भी हम लिखते हैं, अदर ट्रांजेक्शंस को भी लिखते हैं, इस यानी साझेदारों के समस्त ट्रांजेक्शन, साझेदारों से संबंधित सभी तरह के ट्रांजेक्शन हम एक सिंगल अकाउंट में लिखते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल में हम अन्य ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं तो इसलिए पर ईयर इसका जो बैलेंस होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको हम परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे अलग अलग एनालिसिस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी ये फॉर्मेट है, दो पार्टनर को लेकर के बनाया गया है। अब इसमें एक एक करके देखिए, यहां पर लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब हो गया ये पुरानी कैपिटल का बैलेंस है, जो पिछले साल की कैपिटल है उसका बैलेंस होता है। हम हर साल बैलेंस को, हर महीने हर साल बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर ये जो है पिछले साल का बैलेंस है जो हम ट्रायल बैलेंस से लेकर के यहां पर आए हैं। अब अगर पहली बार बिजनेस शुरू किया गया है तो ये बैलेंस नहीं होगा, फिर उसकी जगह पे हमारा होगा टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। कई बार हम बता चुके हैं इसलिए हमें लगता है कि आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि अगर हम फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर बाई बैंक या बाई कैश अकाउंट होगा। इसके बाद अगर ये सालों साल से चला आ रहा है तो फिर यहाँ पे बैलेंस बीडी होगा। अब इसका अपोजिट बैलेंस भी हो सकता है, ये तो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, इसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है टू बैलेंस बीडी। अगर पार्टनर ने विड्रॉल ज्यादा किया है तो फिर उसका पार्टनर का हो सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो, तो डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस डेबिट होगा यानी नेगेटिव होगा। अब आगे देखें बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट का मतलब एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने लगाई है तो उसे इसी अकाउंट में लिखेंगे, अलग खाते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको भी हम उसी तरीके से पोस्ट करेंगे जैसे हमने पिछले खाते में किया था। फिर यहां पर देखेंगे
यहां पर आपका देखिए डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, ये आपका डेबिट बैलेंस है पार्टनर का, जो कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है और खर्चे उसके ज्यादा हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में उसका डेबिट बैलेंस हो जाता है और उसे हम एसेट साइड में एज ए डेप्टर्स के रूप में दिखाते हैं। तो यहां पर टू बैलेंस बीडी हमारा हो गया। फिर इसके बाद टू कैश अकाउंट, ये विड्रॉल हो गया, परमानेंट विड्रॉल हो गया, जिसे हमने बताया कि ये पूंजी समायोजन के टाइम पे या फिर पार्टनर अगर सर्वसहमति से अपने व्यवसाय की पूंजी को कम करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में पार्टनर अपने कैपिटल को कम करते हैं। इसके बाद देखेंगे ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग क्योंकि उनकी पर्सनल नीड होता है, जो प्रॉफिट पे चार्ज होता है, इसका कैपिटल से कोई नीड नहीं होता है, लेकिन इसको हम अलग दिखाते हैं, परमानेंट विड्रॉल हम अलग दिखाते हैं, इसीलिए उसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं और इसको हम ड्राइंग कहते हैं। दोनों ही सिचुएशन अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग है, वो कैपिटल को बिलोंग करता है, ये प्रॉफिट को बिलोंग करता है, ये पर्सनल यूज से के लिए को बिलोंग करता है और वो कैपिटल की पॉलिसी होती है जिसमें कि हम कैपिटल को पार्टनर सर्वसहमति से कम करता है या एडजस्ट करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कैलकुलेट होता है, तो ड्राइंग पे कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर हम लिख देंगे। लेकिन अगर आपका कोई लॉस हुआ है, फर्म में लॉस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उस लॉस वाले पार्ट को डिवाइड करके फिर वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट कर फिर यहां पर वह इनपुट करेंगे। फिर अंत में डेबिट साइड क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, माइनस करके फिर यहां पर हम बैलेंस सीडी लिखेंगे। अगर पार्टनर का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस आपका डेबिट साइड में निकलेगा, और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड में निकलेगा। इस विधि में एक ही बैलेंस निकलता है और पुरानी वाली पहले वाली विधि में दो बैलेंस निकलते हैं। तो ये बैलेंस ले जाकर के हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल टर्म के अंतर्गत पार्टनर ए और बी करके उनकी कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये हर साल बदल जाएगी, क्योंकि इसीलिए इसका परिवर्तनशील नाम है। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर जो है हम देखेंगे कि अब हमने आज क्या क्या स्टडी कर लिया इसके अंतर्गत। तो आज हमने ये यहां पर स्टडी किया है, वो हमने किया है कि साझेदारों के पूंजी खाते कैसे कैसे बनेंगे, दो विधियों से बनेंगे। एक विधि हमारी स्थायी पूंजी विधि होगी और दूसरी विधि हमारी होगी वो होगी परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि आज हम साझेदारों के खाते के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीन खाते होते हैं, एक हमारा होता है पूंजी खाता, तो पूंजी खाता आपका डिटेल हो गया। अब हम नंबर सेकंड लेंगे, वो है हमारा साझेदारों का ऋण खाता। अगर साझेदारों के द्वारा फर्म को कोई लोन दिया गया है, ये लोन पूंजी के अतिरिक्त होता है, तो उस लोन के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको हम साझेदारों का लोन अकाउंट या ऋण खाता कहते हैं। अगर दोनों पार्टनर ने लोन दिया है तो दोनों पार्टनर के लिए एक साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। इसमें हम साझेदारों का लोन बैलेंस और प्लस उस पर इंटरेस्ट दोनों का लेखा करते हैं और टोटल करके जो बैलेंस आता है ये बैलेंस ले जा करके लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में पार्टनर लोन अकाउंट करके हम दिखाते हैं। ये कैपिटल के अतिरिक्त होता है, इस पर जो ब्याज की दर होती है वो साझेदारी संलेख के आधार पर डिसाइड होती है, लेकिन अगर नहीं डिसाइड की गई है तो 6% का कैलकुलेशन यहां पर हम करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन लगा करके फिर जो टोटल आता है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके बाद तीसरा अकाउंट जो हमारा बनता है वो बनता है साझेदारों के आहरण खाते। साझेदारों के जो आहरण खाते हैं ये हमारे, वो आहरण का मतलब हो गया पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज में कभी ट्वीट टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी साझेदारों को जरूरत पड़ सकती है तो वो कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, इसलिए यहां पर डेट मेंशन नहीं किया गया है। जब उनकी नीड पड़ती है तब वो विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन एक पॉलिसी भी होती है ड्राइंग के बारे में, क्योंकि उन्हें निश्चित आवश्यकता पड़ेगी धन की, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक पॉलिसी बना लेते हैं कि भाई साल भर में हम इतना अमाउंट निकालेंगे। वो चाहे तो सिंगल अमाउंट निकाल सकते हैं, वो चाहे तो मंथली अमाउंट निकाल सकते हैं जैसे सैलरी निकाली जाती है, वो चाहे तो दो दो महीने पर निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं, तीन तीन महीने पे, छह छह महीने पे निकाल सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तब निकाल सकते हैं। पहली तारीख की जरूरत पड़ी पहली तारीख को निकाल लिया, पांच तारीख की जरूरत पड़ी पांच तारीख को निकाल लिया, दस तारीख की जरूरत पड़ी दस तारीख को निकाल लिया। इसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक विड्रॉल ऑफ ड्राइंग।
और एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल ऑफ ड्राइंग, जिसमें कि वो डेट वाइज निकालते हैं। तो दोनों तरीके हैं ड्राइंग निकालने के, जैसे चाहें वैसे पार्टनर निकालें, क्योंकि फर्म के वो रियल ओनर होते हैं तो वही पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो जिस डेट पर ड्राइंग निकालेंगे वो डेट हम यहां पर मेंशन करेंगे, और इसके बाद पूरे साल भर का ड्राइंग हम जोड़ेंगे। साल भर का ड्राइंग जोड़ने के बाद अंत में 31 मार्च को यानी क्लोजिंग वाली डेट को हम यहां पर कैपिटल अकाउंट में उसको हम भेज देंगे, जहां उसे उसे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से साझेदारों के तीन अकाउंट हमने बनाए, एक कैपिटल अकाउंट बना, दूसरा हमारा लोन अकाउंट बना, और तीसरा हमारा ड्राइंग अकाउंट बना। ड्राइंग अकाउंट भी एक साल के बाद क्लोज हो जाता है, जो प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, लेकिन लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। लोन अकाउंट तब तक चलता है जब तक फर्म साझेदारों को उनके लोन का पेमेंट नहीं कर देती है, और कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूसली तब तक चलता है जब तक फर्म अपना बिजनेस करती है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने साझेदारों के खातों के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। तो अब आपका प्रथम चैप्टर सामान्य परिचय एवं खाते यहां पर समाप्त होता है। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, सैलरी का क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन बनता है, और साझेदारों के कमीशन का क्वेश्चन बनता है, तथा साथ में साझेदारों के द्वारा बनाए जाने वाले पूंजी खाते, लोन खाते और उनके ड्राइंग अकाउंट पर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेट स्टडी हमने कर लिया, उसका इलस्ट्रेशन स्टडी हमने कर लिया। अब आप इसके अभ्यास के लिए ऑनलाइन अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो बुक्स है, नहीं तो ऑनलाइन अभ्यास आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अभ्यास करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से या iOS से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद फिर आप अभ्यास भी कर सकते हैं तथा और अन्य सारी भी गतिविधियों को वहां पर कर सकते हैं।